सवाल ये नहीं है इंडिया गठबंधन के बारे में चर्चा कराने की हिम्मत नहीं किसी के, इंडिया गठबंधन में चर्चा करा लेते हैं। अलायंस वालों को अगर दिखाना शुरू कर दे, ये देखिए हमारे बारे में ही बातें होती है। अरे भैया चेक कर दो क्या दिखाना है। बोल कीजिए विपक्ष के नेता होते, अभी ये विपक्ष की पार्टी से नेता होते तो कपड़े फाड़ के चिल्ला रहे होते। ये बीजेपी बुलडोजर घूमता नजर आता, आज कहां है बुलडोजर? पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और जो चार्जेस लगेंगे वो होंगे। हम नहीं इस चीज में आते, हम नहीं है गायत्री प्रजापति वाले लोग जो इस तरह के काम करेंगे, हमें नहीं करने की आवश्यकता है। कैद कौन है, कहां से लाओगे? अरे यार जो आदमी पावर में होता है, आज मोदी जी वहां पर दिल्ली में हमें उसके खिलाफ 10 चेहरों पर सोचा जाता है कि इसको बनाया जाएगा। कहां हो, तिहाड़ में हो भाई, दिल्ली में नहीं हो। जो पावर में हमारी महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी के साथ उन तीनों बलात्कारी गैंग रेप करने वाले बलात्कारियों की तस्वीरें वायरल होती है, कहीं कोई चर्चा ही नहीं है। ये दुष्कर्म करते थे, उसकी नाबालिग सहेली के साथ दुष्कर्म करते थे, उनके प्राइवेट पार्ट्स में डंडा डालते थे। जय श्री राम भाइयों, तो स्वागत है आपके चैनल जालिम दुनिया में। तो आज की एक और वीडियो देखने वाले बहुत ही शानदार, क्योंकि आज की वीडियो में अलका लांबा और अनुराग बदोरे की बड़ी अच्छी खासी क्लास लगने वाली है। डिबेट चल रही थी इंडिया गठबंधन के ऊपर, लेकिन डिबेट से अलग होकर ये दोनों अपने मुद्दे उठाने लगे। इस पर शिवम त्यागी ने इनको ऐसा रगड़ा है कि डिबेट देख के आपको बड़ा आनंद आने वाला है। तो वीडियो बड़ी मज़ेदार एंड फनी होगी, आप प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो एक लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। अलका लांबा दो मुद्दे हैं आज, इसलिए दो मुद्दे हैं। पहले मैं चाह रहा हूं नीतीश कुमार पर कमेंट करिए। खबर ये आ रही है राहुल गांधी ने कुछ नेताओं से बात की है, नीतीश जी के नाम पर सबको तैयार करने का जिम्मा राहुल गांधी ने खुद उठाया है। क्या नीतीश कुमार को कन्वीनर बनाने की तैयारी है क्या? सबसे पहले तो आपको और आपके दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आपके प्रोग्राम का नाम है राष्ट्र की बात, उम्मीद की जा रही थी कि राष्ट्र की बात में राष्ट्र देश के आज के अभी के मुद्दे पर बात होगी, पर नहीं, राष्ट्र की बात में इंडिया गठबंधन के ऊपर बात हो रही है। उम्मीद थी कि आज क्या हो रहा है देश में, इस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही। आईआईटी बीएचयू में गैंग रेप होता है, तीन लोग गैंग रेप करते हैं, 2 महीने तक बचाती है पूरी सत्ता उन्हें, पकड़े जाते हैं तो प्रधानमंत्री जी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमारी महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी के साथ उन तीनों बलात्कारी गैंग रेप करने वाली बलात्कारियों की तस्वीरें वायरल होती है, कहीं कोई चर्चा ही नहीं है। राष्ट्र की बात में तो राष्ट्र के मुद्दे उठने चाहिए थे, आप इस पे चर्चा कर लीजिए। कल भी आपका प्रोग्राम आएगा, कल क्या आज वाले मुद्दे पे बात करेंगे? नहीं, कल फिर इंडिया पे बात होगी। और मैं आपको फिर कह रही हूं, स्वाभाविक है 24 का चुनाव होगा, इंडिया वर्सेज एनडीए होगा, एनडीए के 38 दल वर्सेज इंडिया के विपक्ष के 28 दलों के बीच में होगा। हमें मालूम है कि भाजपा हैट्रिक, मोदी जी 400 पार, अरे बलात्कारियों का संरक्षण देने वाले हाथों से, अपवित्र हाथों से भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति स्थापना होगी। इससे बड़ा अपशकुन क्या हो सकता है कि वो सत्ताधारी जो बेटियों के गैंग रेप बलात्कारियों को बचा रहे, संरक्षण दे रहे, उनके हाथों से इतना पवित्र काम होने जा रहा है, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। अरे रुको जरा, ये पूर्व विधायक है मेवाराम, राजस्थान के हैं, महिलाओं के साथ जो है अभद्र काम करते थे, दुष्कर्म करते थे, उसकी नाबालिग सहेली के साथ दुष्कर्म करते थे, उनके प्राइवेट पार्ट्स में डंडा डालते थे, उनके साथ 8 पुलिस वाले, एसपी समेत, एसएचओ समेत, सब इंस्पेक्टर समेत 8 से ज्यादा लोगों को पता था। लड़कियों को रोककर कहा गया तुम्हारा भंवरी देवी जैसा हाल कर देंगे, और ये महीनों दर महीनों चलता रहा। और इनकी फोटो मुझे पूरी उम्मीद है देश को दिखी रही होगी, राहुल गांधी के साथ है, और ये वीडियो भी बनाते थे। कितनी बार न्यूज 24 ने डिबेट करी और कितनी बार भारतीय जनता पार्टी ने आके उनके एंकर को कहा कि आप इस पर डिबेट क्यों नहीं करते? एंकर बन जाइए ना भाई, न्यूज चैनल में आ जाइए, डोमिनेट करना शुरू कर दीजिए, छोड़ दीजिए इसको। ये एक है, इसके बाद ये अब लिस्ट है, ये देखिए, तेलंगाना कांग्रेस लीडर कोम्बन शिवकुमार रेड्डी बुक्ड इन रेप केस इन बेंगलुरु, क्या मैंने कहा कि आकर डिबेट होनी चाहिए इस पे? मध्य प्रदेश कांग्रेस एमएलए उमंग सेंगर बुक्ड फॉर रेप, क्या मैंने कहा कि इस पर आकर डिबेट होनी चाहिए? बाड़मेर के पूर्व विधायक मेवाराम जैन सहित 8 लोगों के खिलाफ रेप केस दर्ज, महिला ने सुनाई आप भी थी, मैंने नहीं कहा कभी इस पर आकर। कांग्रेस में रवीश कुमार के भाई को दिया टिकट, रेप केस चलने से विवादों में आ चुके हैं, नाम उठ चुका है। आप मुझे एक चीज बताइए, इन पर आपको बोलते हो, मैं पूरी संवेदना रखता हूं, रेप करने वाला भारतीय जनता पार्टी हो, किसी और संगठन से आता हो, कांग्रेस से आता हो, आरजेडी से आता हो, जेडीयू से आता हो, कोई सिंपति नहीं है हमें उसको। कानून के तहत जितनी जल्दी से जल्दी उसकी सजा का निर्धारण हो, होना चाहिए। लेकिन ये जो केसेस आपके हैं, इन पर तो डिबेट नहीं मांगी आपने, इन पर तो एकदम फेविकॉल जमा कर बैठ जाते हैं आप लोग, इस पर तो कोई बात नहीं होती, क्योंकि विधायक है ना आपके, क्योंकि राहुल गांधी के साथ खड़े हैं तो आप बोलेंगे नहीं इस पे। बेटी सिर्फ बीएचयू की है, राजस्थान में अगर आप करेंगे तो वो बेटी नहीं है। शांति धारीवाल अगर कहेंगे बेटियों के खिलाफ तो वहां बेटियां नहीं है। मध्य प्रदेश में आपका विधायक रेप अक्यूज होगा तो वहां बेटियां नहीं है।
लेकिन यहां पर बेटे हैं। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, मैं तो ये हमारे जो ये एलकेएफसी जो है इनका, ये इनके है ना मी टू एलिगेशन अगेंस्ट प्रतीक सिन्हा ऑल्ट न्यूज को फाउंडर एंड फ्रेंड ऑफ मोहम्मद जुबैर। दिन रात भारतीय जनता पार्टी के, अगर टीवी देख रहे हैं न्यूज 24 आप तो काफी देखते हैं, दिन रात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता और प्रधानमंत्री जी की फोटो को ट्वीट कर रहे हैं कि ये देखिए बलात्कारी के साथ अपनी ऑर्गेनाइजेशन में को फाउंडर को लेकर बैठे हुए हैं जिसपे मी टू के केसेस लगे हुए हैं। जवाब दीजिए ना इन पर भी एक बार। मुझे लगता है ये सेलेक्टिव एमनीशिया कुछ लोगों को हो जाता है, और मैं ऐसा मानता हूं कि महिलाओं के विषय में, बलात्कार के विषय में कोई राजनीति की आवश्यकता नहीं है, वहां पर कोई फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई गलत है तो गलत है, और जब दूसरे पर आप सवाल पूछते हैं पूछिए, कोई परेशानी नहीं है हमें। हमारे प्रवक्ता और प्रधानमंत्री जी की फोटो ट्वीट आप करना चाहते हैं करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपनी पर भी जवाब दीजिए। भागिए मत ये लंबे लंबे चौड़े स्टेटमेंट करके कि न्यूज चैनल बात नहीं करता, ये नहीं होता वो नहीं होता। ये बढ़िया था गुरु। अनुराग भदौरिया, अलका लांबा ने भी अभी अभी एक चिट्ठी का जिक्र किया जिसे लेकर वो इलेक्शन कमीशन के पास कांग्रेस के नेता जाना चाह रहे हैं। क्या इंडिया गठबंधन इस पर एक है क्या, अनुराग भदौरिया, ईवीएम और बाकी चीजों के मुद्दे पर? देखिए देखिए, एक बात हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ जो कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन पे ज्यादा चर्चा होती, मैं तो टीवी पे देखता हूं, एनडीए गठबंधन पे नहीं होती है। अरे प्रभु, इसलिए नहीं होती है कि इंडिया एनडीए गठबंधन पे करने की हिम्मत तो जुटाए, कौन करेगा एनडीए गठबंधन? जो पूछ लेगा कि भाई एडीएम के आपको छोड़ के क्यों चली गई, इस पे चर्चा हुई कभी? पूछेगा चिराग पासवान की पार्टी दो भागों में क्यों बांट दी गई, उनकी झोपड़ी में आग क्यों लगा दी गई, क्यों हाजीपुर से चिराग पासवान लड़ेंगे, उनके चचा लड़ेंगे? कोई है हिम्मत चर्चा कराने की? चर्चा कराने की हिम्मत है कि शिवसेना को कितनी सीटें देंगे? कभी किसने चर्चा कराई शिवसेना शिंदे कितनी सीटें लेगा, या एनसीपी के अजीत पवार को कितनी सीटें देंगे? सर फुटोवल हो जाएगा, हर दिन तो यही चर्चा होती है। बात तो आपकी गठबंधन की चर्चा होती है, जवाब दे रहा हूं, दल बदल की चर्चा होती है, साथियों की चर्चा होती है। उन्होंने कहा, तो विपक्षी दल तो यही गिनाते हैं, उन्होंने कहा उसका जवाब में आपने नहीं बोला। अरे मैं आप पे, अरे आप पे नहीं बोला, हमारी बात नहीं है, बहस तो वही होती है, आप पे नहीं बोलो, मैं कह रहा हूँ ये सवाल ये नहीं है। इंडिया गठबंधन के बारे में चर्चा कराने की हिम्मत नहीं है किसी के, इंडिया गठबंधन में चर्चा करा लेते हैं। दूसरी बात, जैसी बात अभी हमारी साथी अलका लांबा जी कह रही थी, ये कह रहे थे इन्होंने नाम लिया एक विधायक का। अरे भैया, विधायक अगर ऐसे थे तो आपने कितनी हड़ताल की, और आज आपकी सरकार है, कल उसको अरेस्ट करके जेल में डाल दीजिए, कोई आपके साथ नहीं खड़ा होगा। लेकिन आप, ये क्या हो गया कि आपको जैसे आरोपी का पता चला कि बीजेपी के आईटी सेल से हैं, उतने में आप परेशान हो गए। आपको कहना चाहिए था कि उनको फांसी होगी, उनके यहां बुलडोजर जाएगा। बुलडोजर गया क्या? कहां है बुलडोजर? अगर कल्पना कीजिए, विपक्ष के नेता होते, अभी ये विपक्ष की पार्टी से नेता होते तो कपड़े फाड़ के चिल्ला रहे होते, ये बीजेपी के लोग पूरे देश में कपड़े फाड़ रहे होते और मीडिया पूरे दिन चिल्ला रही होती, और उसको कहते बुलडोजर घूम रहा होता ढूंढ ढूंढ करके, और भू 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 बुलडोजर घूमता नजर आता। आज कहां है बुलडोजर? किस गली में घुस गया बुलडोजर? उसकी क्या पेट्रोल खत्म हो गया, डीजल खत्म हो गई, ड्राइवर भाग गया, क्या हो गया बुलडोजर को? भाई रुक, तेरे को बता देती। बात में सबसे पहले यही कहा कि भाई कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, अगर विषय ऐसा संगीन है तो उस पर राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। अनुराग भदौरिया को अब से पहले उस विधायक का नाम पता था क्या, या बोला उन्होंने आज से पहले? अनुराग भदौरिया को जो तेलंगाना में हुआ उसका पता था क्या? अनुराग भदौरिया इनको रोक के बीच में, इनको तो बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। ये जो तमाम नाम गिनाए पता था क्या? आज तक बात करी इनके बारे में? उत्तर प्रदेश से बाहर के देश नहीं है क्या? और सुनिए, जब मैं इन नामों को गिना रहा हूं तो मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूं। सरकार ने ऑलरेडी पुलिस से गिरफ्तार कर लिया और जो चार्जेस लगेंगे वो होंगे। हम नहीं इस चीज में आते, हम नहीं है गायत्री प्रजापति वाले लोग जो इस तरह के काम करेंगे, हमें नहीं करने की आवश्यकता है, कह दिया है बड़ा। लेकिन जब आप इस तरह की बातें करते हो तो एक बार अपनी तरफ भी आंखें खोलकर देख लिया करो। मैं बस इतनी ही बातें कर रहा हूं। और अब एक बार इंडिया और जो ये इंडी क्या कह रहे हैं उस पर कह देना चाहता हूं। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि हम बोले तो बोले क्या, करे तो करे क्या। भाजपा के साथ साथ न्यूज चैनल्स की भी बड़ी परेशानियां हो गई है। मोदी जी की तस्वीर दिखाएं, उनके कार्यक्रम दिखाएं, तो आकर इनका रोना सिर्फ एक ही रहता है, ये देखिए हर जगह मोदी जी की तस्वीर, हर जगह मोदी जी की तस्वीर, सिर्फ मोदी जी को दिखाते। अब इन इंडिया अलायंस वालों को अगर दिखाना शुरू कर दे, ये देखिए हमारे बारे में ही बातें होती है। अरे भैया तय कर दो क्या दिखाना है, ये यहां कोई प्राइवेट फैमिली प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, ये देश के चैनल है, सब दिखाएंगे। मतलब ये दिखाए मोदी जी को तो प्रॉब्लम, ना दिखाए तो प्रॉब्लम, तय कर लो किसको दिखाना है। बीजेपी के साथी बार बार कह रहे थे, बड़े पता नहीं क्यों जोर जोर से चिल्ला के थे, ऐसे हो जाते। अरे भाई सत्ता में हो, आराम से गले में दम है भाई, कैसे कोई चेहरा नहीं बदल रहे, आपको क्या पता, मेहनत करनी पड़ती है, रिकॉर्ड कर लिया मान लीजिए, मेरे झूठ बोलना नहीं पड़ता, कॉन्फिडेंट कोई होता है जो झूठ नहीं बोलता। आपसे
चेहरा कौन है, कहां से लाओगे? अरे यार जो आदमी पावर में होता है, आज मोदी जी वहां पर है दिल्ली में, हमें उसके खिलाफ 10 चेहरों को सोचा जाता है किसको बनाया जाएगा। दिल्ली में कहां हो, तिहाड़ में हो भाई, दिल्ली में नहीं हो, जो पावर में वो दिखाई दे रहा है। ओके 10 सेकंड शिवम संगी, टाइम टाइम खत्म हो रहा है शिवम, मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं तो कहूंगा कि अब की बार 400 पार और तीसरी बार मोदी सरकार, तैयारी कीजिए उस चीज की, बेकार में आप समय व्यर्थ कर रहे हैं। 2034 में हम आपके घमंडिया अलायंस का टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का जब मामला बन जाएगा हमें जरूर बताना, हम स्वागत करेंगे, लड़ेंगे आपसे, लेकिन अभी हिम्मत नहीं है। 10 सेकंड वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको अनुराग भदौरिया के बारे में अपनी कुछ राय रखनी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी